नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं स्टूडेंट फरमाइश पे। और आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आईबीपीएस पीओ मेन से पूछे गए कुछ डीआई के क्वेश्चंस। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि हमारा ये जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है स्टूडेंट फरमाइश यूट्यूब, यहाँ पे तकरीबन 9300 लोग हैं। आप यहाँ पे आके हमको फॉलो कर सकते हैं, आपको बहुत सारे डेली करंट अफेयर्स खुद के हमारे बनाए हुए चीज़ यहाँ पे मिल जाता है, काफ़ी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे चलता है दोस्तों। और उससे भी और एक बेहतरीन चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, 349 ईयरली पैकेज में आपको टारगेट मिलता है इस मिशन फॉर सिलेक्शन बैच में, है ना। डिफरेंट टारगेट्स दिया जाता है और डे वाइज टारगेट्स दिया जाता है। हम ऐसे नहीं है कि हम किसी से लाते, हम खुद ही बनाते हैं टारगेट्स, है ना। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, इस को सॉल्व करते हैं। टारगेट बैच में ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, 349 का पैकेज खरीद लीजिए और हम आपको 24 आवर्स में ऐड कर देंगे ग्रुप में। चलिए, एक्स वुमेन कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 2y days, राइट। 1.5x मैन कैन डू द सेम वर्क इन y days। 2x children can finish the same work in 3y days. 8 women, 8 men and 8 children can finish that work in this many days and this. ऐसे सवालों पे आपको हमेशा एक चीज ध्यान रखना है, जो चीज आपको दिया गया आप वैसे ही कंप्लीट करो। देखो, एफिशिएंसी क्या होता है, दैट इज वर्क बाय टाइम, और व्हाट इज वर्क, एफिशिएंसी इनटू टाइम। लेट अस से दैट एक वुमेन का एफिशिएंसी W है, एक मैन का एफिशिएंसी M है और एक चिल्ड्रन का एफिशिएंसी C है। ये तीन वेरिएबल्स हमको दिया गया है तो हम इस हिसाब से बढ़ेंगे, राइट। सो वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। इतना अगर आप ध्यान रखते हो तो आपका क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। X वुमेन ने काम किया 2y days में, यानी 2y days लगा कितने लोगों को, X वुमेन को, और एक वुमेन का जो एफिशिएंसी है W है, तो X इंटू W इंटू वाई, ये टोटल वर्क हो गया, राइट। और अगर इसको थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिख दूं यहां पे, दिस इज द टोटल वर्क, X इंटू वुमेन इंटू कितना दिन लगा, 2y days लगा, राइट। 1.5x मैन को कितना दिन लगा उसी काम को करने के लिए, y days, दैट मीन्स दिस इज द टोटल वर्क। एंड 1.5x मैन को, यानी एक मैन का एफिशिएंसी M, कितना दिन लगा, y days लगा, ये भी तो टोटल वर्क है, और ये जो वर्क है ये वही वर्क है। आर यू गेटिंग इट। और ठीक उसी तरह 2x चिल्ड्रन को कितना दिन लगा टू फिनिश द सेम वर्क, 3y days। सो आई कैन राइट इट एज 2x इंटू एक चिल्ड्रन का एफिशिएंसी C इंटू 3y, दिस इज अगेन द टोटल वर्क। सो दिस इज टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क इज इक्वल टू टोटल वर्क। तो इसको अगर हम सॉल्व करें यहां पे, तो x कैंसिल हो जाता है, y कैंसिल हो जाता है, यानी 2 women दैट इज इक्वल टू 1.5 men दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 3 दैट इज 6 children, राइट। और यहां पे मुझे एक डेसिमल दिख रहा है तो मैं काम करता हूं, सबको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, 4 women इज इक्वल टू 3 men इज इक्वल टू 12 children, दिस इज my रेशियो। और अगर मैं तीनों का कंपाउंड रेशियो निकालने का कोशिश करूं तो मैं कैसे निकालूंगा, सो सिंपल इज दैट, एम आई राइट, मैन इज टू वुमेन, क्या हो जाएगा, मैन का देखो 4 वुमेन इज इक्वल टू 3 मैन, राइट। सो मैन बाय वुमेन दैट इज इक्वल टू 4/3, आर यू गेटिंग इट। सो दिस इज 4:3। सिमिलरली यहां पे मैं निकालूं, अगर मान लो वुमेन और चिल्ड्रन का निकालूं तो क्या हो जाएगा, वुमेन इज टू चिल्ड्रन का क्या हो जाएगा, 12:4, दैट इज 3:1। अगर मैं कंपाउंड करूं इसको, मैन इज टू वुमेन इज टू चिल्ड्रेन, ये 4 का 4 ही रहेगा, वुमेन और ये वुमेन 3:3 है तो 3 ही रखेंगे, और ये 1, यानी ये रेडीमेड सेट हो गया है ये। तो दिस इज द रेशियो ऑफ देयर एफिशियंसीज। हाउ डिड आई टेल दिस इज एफिशियंसीज, बिकॉज आई टोल्ड यू दैट वन मैन हैज एफिशियंसी M, efficiency of a woman is W, efficiency of children is 3. In this way we can do it, right? अब सवाल क्या दिया है दोस्तों, सवाल पे आ जाते हैं, what is the value of y? Okay, यहां पे देखते हैं थोड़ा सा, just a minute. 8 women, 8 men and 8 children together can finish that work in these many days. यानी मैं इसको लिख सकता हूं, 8 वुमेन प्लस 8 मैन प्लस 8 चिल्ड्रेन, टोटल कितना दिन लगाते हैं,
उसी काम को निपटाने में 45/2 days. दिस इज द टोटल वर्क नाउ. एंड 9 men कैन डू द सेम वर्क इज दिस मेनी डेज. सो 9 men कितना दिन लगाते हैं? Y प्लस 20 दिन लगाते हैं. ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है. सो दिस इज इक्वल टू दिस. आर यू गेटिंग इट? नाउ लिसन हियर. नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग. 8 women, इसको मैं लिख सकता हूं, ए ले लेता हूं, ए ले लेता हूं, ए ले लेता हूं, राइट. सो 8 women क्या हो जाएगा? 8 into 3A, दैट इज 8 into now 4A. और डायरेक्टली आई कैन राइट विदाउट वेस्टिंग टाइम, डायरेक्टली यू कैन डू इट. 8 into 3A, दैट इज 24. 24A, दिस इज 32A, प्लस 8 children, दिस इज 1. Okay, this is A. 1A, so that is 8A. Multiplied with 45 by 2. That is equal to 9 into, what is man? 4A. Into Y plus 20. So this is 50, 56, this is 64. A into 45 by 2. That is equal to 36. A into Y plus 20. ए और ए कैंसल हो जाएगा यहां पे. 4 9 जा 4 16 जा 2, दिस इज 8 जा 9 5 जा, सो दिस इज 40. दैट इज इक्वल टू वाई प्लस 20. सो वाई हैज टू बी 20. सो द आंसर फॉर ऑप्शन नंबर 1 इज 20, ऑप्शन नंबर ई. नेक्स्ट पे आ जाते हैं दोस्तों. याद रखना हमने लिखा था M is to W is to C, that is equal to 4 is to 3 is to 1. This is the ratio of the efficiencies. Now, how many women can do the work in Y days? Let D women are there. Okay. D women are there. So, D into efficiency into, kitna din lag raha hai? Y. This is the total work. अरे व्हाट इज टोटल वर्क? डेज, दिस इज द डेज इनटू एफिशिएंसी. ओके, सो देयर आर डी वुमेन, सो डी एफिशिएंसी. ओके, सो दैट हैज टू बी, डू यू रिमेंबर, दिस इज एक्स वुमेन कैन डू द पीस ऑफ वर्क इन 2 वाई डेज. सो आई कैन राइट एक्स इनटू डब्ल्यू इनटू 2 वाई डेज. एम आई राइट? Yeah, so woman and woman gets cancelled here, Y and Y gets cancelled here, so D has to be 2X, but we don't know the value of X, am I right? So X ka value hum kaise nikalenge, main aapko bata deta hu yahan pe. Yahan pe dekhiye, yahan se hum nikal sakte hain, we can get it from here. Okay, we can get it from here. X woman can do a piece of work in Y days, so this is also the total work. Am I right? और ये भी हमारा टोटल वर्क है, ये भी हमारा टोटल वर्क है. सो आई कैन इक्वेट दिस, आई कैन इक्वेट दिस, आई कैन राइट एक्स इंटू वुमेन इंटू 2 वाई डेज, दैट हैज टू बी इक्वल टू 9 into 4, दैट इज 36A. वाई प्लस 20, दैट इज 20 प्लस 20, दैट इज 40. वाई डिड आई चूज दिस इक्वेशन? बिकॉज यहां पे मेरा X है, यहां पे है ना. और W क्या होता था? 3A होता था. डू यू रिमेंबर? M इज टू W इज टू C, दिस इज 4 इज टू 3 इज टू 1. सो W क्या होता था? 3 होता था. तो मैं इसको लिख सकता हूं 3A इंटू 2 इंटू Y इज 20, सो दैट इज 36A इंटू 40. 22 टाइम्स गेट्स कैंसल्ड आउट हियर, A एंड A गेट्स कैंसल्ड आउट हियर. 3 2s are 6, 6 6 are, सो X हैज टू बी 12. Okay, X is 12 and Y is 20. So, we can say that D woman, that is equal to 2 into 12. That will be equal to 24 women are required. Next question pe aate hain. Again, you have to remember that M is to W is to C, that is equal to 4 is to 3 is to 1. Now, let us come to question number 3. In how many days 3x men and 3x children can finish the work? Okay. So, we know one equation from here.
that X woman, or I can write it from here also, X woman can finish the work in 2 days. Right? So 3x men and 3x children, let they say they finish the work in n days. In how many days? N days. So 3x into m plus 3x into c, they will finish the work in n days. It's so simple is that. So here x into what is w? This is 3a. 2 into 20, that is 40. 3 into 12, that is 36 men. Man is how much? 4a. So I can write 36 into 4a plus 3x. 3 is 12, 36 into what is c? A into n. So n has to be what is x here? 12. Am I right? 12, let me write in this way, 12 into 3a into 40 by 36 into 4a. Let us take 36a as common. So this comes out as 4 plus 1, that is 45. So I can write 36a into 45. A gets cancelled. 3 12 times 12 12. I think I have done somewhere wrong. Am I right? I don't know where is the wrong part here. 3c, 36 into a. Okay, got it. 36 into 4 plus 1, that is 5. Oh, sorry, this is 5. 36 into 5. So 5, 8 times. So n has to be 8. Did you get it? How it is 5? Because यहां से हमने क्या किया दोस्तों, यहां से ये जो पार्ट है मैंने इसको सिंप्लीफाई कर दिया. कैसे सिंप्लीफाई किया? 36 यहां पे कॉमन गया, 36a, तो अंदर क्या रहा? 4. 36a ऑलरेडी कॉमन जा चुका, तो अंदर क्या रहा? 1 into n. सो दिस इज 36a into 5. यहां पे डाल दिया मैंने. ठीक है, नेक्स्ट पे आ जाते हैं. जेड चिल्ड्रन start working and left the work after 4y days. Yani 4y days tak kisne kaam kiya? Z children ne kaam kiya. Remaining work ko kisne kaam kiya? Remaining part ko kisne kaam kiya? 10 men aur inhone 16 days tak kaam kiya. Right? Then what is the value of Z? That means this is the total work. Itna kaam ZC ne kiya aur itna kaam 10M ne kiya. This is total work. So let us again come back to the equation. X woman can do a piece of work in 2Y days. That means the total work, and that is equal to this total work. Z children did it in 4Y days plus 10 men did it in 16 days. X value is 12. And do you remember that M is to W is to C? That is 4 is to 3 is to 1. So this has to be 3A. And this is 2y, 2 into 20, that is 40. Okay. So Z children, children ka A hai, or 4 into this is 20, that is 80. 10. M ka kitna hai? 4A into 16. Right. Ab yahan pe hum kya kar sakte hain dosto? This is, you can say this is, we have to calculate aur kuch nahi karna yahan pe. 12 36 36 4 ja 24 to 144 1440 a, that is equal to 80 a z plus this is 640 a, right? A and a gets cancelled, so 80 is a common part here. Don't take like this. 1440, this comes here, so this turns out as minus 6 40 08 80 z. This is 10 times z is equal to 10. तो एक काम करते हैं, पांचवा नंबर जो क्वेश्चन है मैं आप सभी के लिए छोड़ देता हूं, इसको आप करिएगा और इसका आंसर क्या है मुझे बताइएगा. और मैं आपको क्लियरली बता देता हूं, ये जो भी आप पीडीएफ देख रहे हो, देखो मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं, यहां पे देखिए पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है हमारे आईपीएस पीओ मेंस में जो पूछे गए थे. देखो है ना, पूरा सब कुछ है.
ये क्वेश्चंस हमारे बेनिफिट उठा पाएंगे, हमारे मिशनर्स यानी जो मिशन वाले बैच में हैं वो बेनिफिट उठा पाएंगे इस क्वेश्चंस का। तो अगर आप भी मिशन बैच का हिस्सा होना चाहते हैं तो 349 रुपीज़ का खरीद सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, शुभ आखिर, लव यू ऑल, अपना सेहत का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।